अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेज विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं होममेड डार्क फैंटेसी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप पाउडर्ड शुगर लेंगे, 1 कप मैदा लेना है, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लेंगे, 2 टेबलस्पून चावल का आटा लेंगे, 1/2 कप बटर लेंगे रूम टेम्परेचर पर, वैनिला पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर लेना है 1/2 टीस्पून और 1 पिंच सोडा लेंगे, 3 टेबलस्पून दूध लेना है रूम टेम्परेचर पर। डार्क चॉकलेट का हमने स्लैब लिया है, इसे 1 इंच के पीसेस में काट लिया है। पहले हम मैदे को छान लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हमने वैनिला पाउडर और बेकिंग पाउडर डाल लिया था और 1 पिंच सोडा भी डालकर इसे छान लेंगे। रूम टेम्परेचर बटर लेना है हमें, इसके अंदर पाउडर्ड शुगर डालेंगे, इसे हम बीट कर लेंगे मीडियम स्पीड पे जब तक ये लाइट और फ्लफी ना हो जाए। मैदे के अंदर चावल का आटा डालेंगे, कोको पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये मैदे को हम स्मॉल बैचेस में से डालते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद आप इसे हाथ से आटे के गून लेना है, एक डो के जैसा बना लेंगे, ज़्यादा नहीं गूनना है आपको, उसका ध्यान देना है। फॉइल पेपर में इसे कवर कर लेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे 25 मिनट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको फ्रिज में रखना है। 25 मिनट के बाद आप इसे निकाल लेंगे, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब ये डार्क चॉकलेट का हमने पीस को इसके अंदर स्टफ कर लिया है, अच्छी तरह से हम इसे बंद कर लेंगे, एक स्मूथ बॉल बना लेंगे। हथेली के बीच में इसे बीच में रखकर लाइटली प्रेस करके इसे एक शेप दे देंगे। इसी तरह से हमने पूरे बिस्किट्स बना लिए हैं। बड़ा पतीला ले लिया है, इसके अंदर हमने नमक डाल के स्टैंड रख लिया था। अब ये प्लेट को हम इसके अंदर रख लेंगे, इसे ढककर 25 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। इसे चेक करने के लिए आप छुरी से इसे टच करके देखेंगे, अगर ये मूव हो रहा है यानी कि ये अच्छी तरह से पक चुका है। होममेड डार्क फैंटेसी तैयार है, देखिए इसका बेस कितना क्रिस्प बना है। अब हम इसे काट के बताते हैं आपको। चोकोफिल डार्क फैंटेसी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।